नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और इस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और कम्युनिटी बाजार में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज सोना इंटरनेशनल मार्केट में $1,879 पर ट्रेड कर रहा है, आधे फीसदी की बढ़त है। चांदी भी $23.9 पर ट्रेड करते नजर आ रही है। सोने का देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन वाला लेवल था, कि जब लॉकडाउन की परिस्थितियां लगती थी, जब सेफ हेवन डिमांड निकल के सामने आती थी, आज ठीक वही एक बार फिर से सेफ हेवन डिमांड सोने चांदी में देखने को मिल रही है। सोने चांदी की जो कीमतें हैं घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। दरअसल ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है यूएस यूक्रेन के चलते और ये जो डॉलर में घटबढ़ हो रही है, उसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सोने में खरीदारी करें, बिकवाली करें, क्या रणनीति बनाए जिससे कि अच्छा मुनाफा मिल सके, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी, देख रहे हैं सोना काफी शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है $1,879 पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि ये लेवल्स तब देखने को मिले थे हमें जब लॉकडाउन लगा था, ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं और अभी तक कोई हल नहीं निकला है, कोई बातचीत नहीं हुई है, तो ऐसे में अब सोने चांदी की कीमतें क्या रह सकती हैं और क्या यहाँ पर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए? देखिए अखिलेश, सोने और चांदी में तेजी जो है एक्सपेक्टेड भी थी कि देखने को मिल सकती है और लगातार हमने आप ही के चैनल पर यही बोला है कि हमेशा आप सोने और चांदी में बाइंग की तरफ रहें। और कमोडिटी मार्केट की जहां तक बात है इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने ने एक अच्छी रैली पकड़ी है। दरअसल जो ये युद्ध की स्थितियां बनती दिखाई दे रही है उसका सीधा असर जो है वो सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है और उसका सपोर्ट सोने को मिलता दिखाई दे रहा है। जब भी कोई ऐसी अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तब सबसे पहले सेफ हेवन डिमांड निकलती दिखाई देती है और इन्वेस्टर्स जो अपने आप को सेफ करके चलते हैं, तो जिसके चलते सोने के अंदर डिमांड बढ़ जाती है। अभी हाल फिलहाल में वही देखने को मिल रहा है कि सोने के अंदर ह्यूज बाइंग जो है आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते सोना 50,000 के स्तरों को क्रॉस कर चुका है। काफी लंबे अरसे के बाद हमने ये लेवल आते हुए देखे हैं, तो फिलहाल यहाँ पर तेजी का रुझान अभी बना रह सकता है। जब तक कोई हल नहीं निकल कर आता तो हो सकता है सोना 51,000 से 52,000 का भी स्तर छूटा हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल के लिए सोने और चांदी में $1,900 विदेशी बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। 1880 के ऊपर निकला तो $1,900 की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी भी सोने में बाइंग है और घरेलू बाजारों में भी सोना जो 50,000 के ऊपर निकल चुका है, अब यहाँ से 50,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, इसे रूपा जी बात करें अगर हाजिर बाजारों की, तो क्या हाजिर बाजार में भी सोने में खरीदारी का सही मौका है? देखिए, सोने में इस लेवल पर खरीदारी थोड़ा रिस्की हो सकती है अखिलेश। जिन्होंने निचले लेवल पर बाइंग किया हुआ है वो डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, यहाँ पर भी बाइंग किया जा सकता है, लेकिन स्टिकली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा 49,800 का स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पर भी बाइंग करके चल सकते हैं। जी, ये रूपा जी बात करें अगर अब कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल भी देख रहे हैं कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी लगातार उन्हीं लेवल्स पर है जो लेवल्स हमने कल आते हुए देखे थे, $94 और $95। रूपा जी, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, रूस और यूक्रेन का जो विवाद है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि बातचीत भी, ऐसे में खबरें भी आ रही कि बातचीत भी हो सकती है, लेकिन अभी तक हल की स्थिति निकल जाए ऐसी कोई खबर निकल के सामने नहीं आई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, रशिया और यूक्रेन दोनों ही कच्चा तेल और नेचुरल गैस के मामले में एनर्जी सेक्टर में बड़ा दबदबा रखते हैं, बड़ा शेयर रखते हैं ग्लोबली, अगर यहाँ पर ये देश अपनी सप्लाई रोक देते हैं या फिर यहाँ से सप्लाई बाधित होती है युद्ध के चलते, तो ऐसे में नेचुरल गैस सेक्टर और क्रूड सेक्टर पर क्या क्राइसिस हो सकते हैं और कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए, अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है कि सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होती यहाँ से दिखाई दे, रिस्ट्रिक्शन लग जाए, और अगर ऐसा हुआ तो कच्चा तेल ऑलरेडी इस न्यूज को डिस्काउंट कर भी रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल ऑलरेडी काफी ऊपर चल रहा है। और अभी जहां तक लेवल्स की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो अब यहां से लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हो सकता है कि कच्चा तेल आपको ना $100 के पार जाता हुआ दिखाई दे, WTI ब्रेंट भी $100 के ऊपर क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है अगर स्थितियां और ज्यादा गंभीर होती हैं। अदरवाइज यहां से
डाउनसाइड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ सकता है, जो कि नीचे में $90 तक हो सकता है। आज हल्की करेक्शन जरूर विदेशी बाजारों में देखने को मिल रही है, लेकिन वही नजर रहेगी रूस और यूक्रेन के ऊपर। अगर यहां से सप्लाई को रोका जाता है तो डेफिनेटली कच्चे तेल को और सपोर्ट मिलेगा और कीमतें $100 तक छूती हुई दिखाई दे सकती है। घरेलू बाजारों में हम देख रहे हैं कि 7200 से लेकर 7500 का स्तर भी संभव है मार्केट में आता हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल कच्चे तेल में गिरावट के अंदर बाइंग में रहना चाहिए, लेकिन बाइंग भी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ करें। और दूसरा, न्यूज के ऊपर भी नजर बनाए रखें कि आगे क्या अपडेशन निकल कर आता है, और अगर स्थितियां खराब होती हैं तो डेफिनेटली कच्चे तेल की कीमतें तेजी की ओर जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी रूपा जी, खबरें ये भी निकल के सामने आ रही है कि अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव के मद्देनजर कच्चे तेल की जो कंपनियां हैं वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ा रही हैं। अगर जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो आपको क्या लगता है, क्या कच्चे तेल की कीमतें जो पेट्रोल डीजल की ओर उछाल मार सकती हैं? क्या पेट्रोल डीजल 10 से 12 रुपए या 15 रुपए बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी? देखिए, ये तो बहुत बड़ा लेवल है, 10 से 12 रुपए एकदम से बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, कच्चे तेल में आ रही तेजी का असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आता हुआ इलेक्शन के बाद देखने को मिल सकता है। तब तक देखना होगा कि कच्चे तेल की कीमतें क्या स्टेबल रहती हैं उन लेवल्स के ऊपर, इन्हीं लेवल्स के ऊपर इलेक्शन के बाद, तब हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी देखने को मिले। लेकिन फिलहाल इतनी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, छोटमोट तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये जरूपा जी, बात करें अगर अब बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि आज कॉपर $4.49 पर है, ठीक ठाक ही लेवल है। और बात करें अगर घरेलू वायदा बाजारों की, तो निकल थोड़ा लुढ़का है कल के मुकाबले। कल को निकल जहाँ पे 1800 के ऊपर था, आज 1787 पर है। जिंक 300 के ऊपर है और लेड 185 पर है। एक मिला जुला सा रुझान है आज इंटरडे में बेस मेटल्स में, क्या लेवल्स रहेंगे रूपा जी आपकी तरफ से? देखिए, बेस मेटल में तेजी तो बनी रहेगी, लेकिन वहीं तेजी सस्टेनेबल नहीं लग रही है, ऊपर से करेक्शन भी बनती दिखाई देगी, जिसके चलते हमने देखा भी है निकल 1800 के ऊपर निकला फिर लुढ़क गया, अभी यहां पर फिर से बाइंग आएगी और फिर 1800 के ऊपर हम इसको जाते हुए देखेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, करेक्शन में बाइंग की तरफ रहे। कॉपर 780 तक पर एक्सपेक्टेड है, अगर निकल जाता है तो 800 का स्तर भी संभव है देखने को मिल सकता है। अगर ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में भी उठाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट कॉमोडिटीज के अंदर एक जबरदस्त उछाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए बेस मेटल्स में भी आज हल्की करेक्शन बनी रह सकती है, उस करेक्शन के अंदर अगेन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बाइंग की लेकर चलना चाहिए। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन, जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि सोना चांदी में खरीदारी करना चाहिए और इसके साथ क्रूड में भी बाइंग करके चल सकते हैं। जी, तो रूपा जी की तरफ से सोना चांदी और कच्चे तेल दो टॉपिक्स दिए गए हैं नॉन एग्री के आज आपको।